गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे चैनल में आपके लिए लेकर आएंगे ऐसा चीज जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है, यूट्यूब सस्ते सस्ते प्रोडक्ट चाहते हैं, उसमें सस्ते आइटम्स जिससे वो यूट्यूब पे अच्छे वीडियो बना सके, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो आज ऐसी एक चीज की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हमने भी मंगवाया, इसे अमेजन से ही मंगवाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। तो ये आइटम क्या है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाते हैं, तो लाइटिंग की कमी होती है, काफी लोग लाइट वाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो लाइट बहुत मायने रखता है दोस्तों। कैमरा आपका लाख बढ़िया हो लेकिन लाइटिंग बहुत मायने रखती है। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वीडियो क्वालिटी, पिक्चराइजेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी नहीं आएगी। तो उस लाइटिंग के का जो हमने कुछ उपाय किया है, हमने अमेजन से कुछ चीजें मंगवाई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और क्या है वो चीज और कितनी सस्ती आपको पड़ सकती है, ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, ये करीब करीब 500-600 रुपए के आसपास आपको आ जाता है। जिसमें ये आप बड़ा सा देख रहे हैं, तो ये इसमें शायद ट्राइपॉड है, वो ट्राइपॉड भी मैं आपको खोल करके इसमें दिखाने वाला हूँ। यस, जो मैंने कहा था एकदम वही चीज इसमें से निकला, एक ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड को हम लोग खड़ा भी करेंगे। ये स्पेशली लाइट के लिए ही है दोस्तों। और जो दूसरा सामान इसमें हमारे पास आया है, उसे आप देख सकते हैं। इसे हम लोग रिंग लाइट बोलते हैं, ये रिंग लाइट है। और रिंग लाइट का क्या यूज है वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो मोबाइल से अगर वीडियो बनानी हो तो आप रिंग लाइट का ही यूज करें, क्योंकि बीच में आपको जगह मिल जाती है इसमें लगाने के लिए। ये इस प्रकार की रिंग लाइट है, ये पूरी तरह से एलईडी होती है, सीधा फेस पर जाकर के इसकी लाइट आती है। और इसके साथ क्या क्या है, ये मूवमेंट के लिए दिया गया है, और ये आपका मोबाइल फंसाने के लिए दिया हुआ है, और ये कसने के लिए दिया। तो इसको हम लोग, तो दोस्तों हमने दिखाया कि कैसे पैकेट में आया था और अमेजन से जो मंगवाया था, उसके बाद इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके साथ जो भी कंपोनेंट्स आए उसको कैसे लगाना। तो सबसे पहले इसको बिठाना है, फिर ये इसको रिंग लाइट में लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको कसते, इजी है काफी, कोई लेकिन थोड़ी सी समझदारी चाहिए इसमें भैया। और इसको कस देना। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको ढीले सा दिखेगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग फैलाएंगे, इस तरीके से हमने फैलाया, ऊपर की ओर उठ जाए। अब इसका जो बेस है वो मजबूत हो गया, ओके। फिर इसको यहां से कस देंगे। अब इस ये रिंग लाइट को चारों तरफ घुमाने के लिए मूवमेंट है, इसको सबसे नीचे रखेंगे और ये जो आपका दिया हुआ है इसमें अपना मोबाइल को फिट करना है, वो भी दिखाएंगे मोबाइल को फिट करके। सबसे पहले इसको इसमें कस लेते हैं। तो दोस्तों रिंग लाइट काफी प्लास्टिक की होती है, हल्की होती है, ज्यादा जोर ना पड़े। अब इस रिंग लाइट को क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। अब आपका रिंग लाइट जो है वो भी मूव करेगा, और क्योंकि आप जब यूट्यूब बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाते समय आपको लाइट कैसी रखनी है वो उसका ध्यान रखना है। ये देखिए अब ये नीचे मूव कर जा रहा है, जैसा चाहेंगे वैसा मूव कर रहा है। थोड़ा सा इसको भी टाइट करने की जरूरत है, तो इसे यहां से आप टाइट इसको कर सकते हैं। अब इसमें जो दोस्तों एक खास चीज दी हुई है, इसका कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल जो है वो यहां से होता है और इसमें यूएसबी डाला हुआ है। तो इस यूएसबी का इस्तेमाल आप इस तरह के यूएसबी एडाप्टर जो मार्केट में मिलते हैं, नहीं तो आपका जो मोबाइल चार्जर होगा उससे भी काम चल सकता है। तो इसमें कैसे लाइट वाइट देना है वो अब दिखाते हैं। तो किसी एक में हम इसमें लाइन डाल देते हैं, उसके बाद यहां पर स्विच डाला हुआ है, यहां पे ऑन ऑफ बटन है, जब तक आप इसे ऑन नहीं करें ऑन नहीं होगा। आप जैसे ही डालेंगे, देखिए ये मैंने बटन दबाया और ये ऑन हो चुका है। ये देखिए कैमरे में आपको दिखा दूं। और दूसरा सबसे खास बात आप ये चीज इसमें देख सकते हैं, ये जब ऑन हो गया है
तो इसमें प्लस और माइनस बटन है, यानी कि प्लस का मतलब है रोशनी इसकी बढ़ेगी और माइनस का मतलब है रोशनी देखिए आप घट रही है, इसकी घटती जा रही है, ये प्लस हो गया, ये रोशनी बढ़ गई। उसके बाद इसमें आपको कलर है, वार्म लाइट है और ये पीली लाइट है, ये पूरी वार्म लाइट है, ये पीली लाइट है और ये पीली हो गई। तो जैसा से आप लाइट को रख सकते हैं और ये आपको कम करने के लिए, तो इतना काफी होता है दोस्तों। दूसरा, जब भी आप वीडियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा इसका जो ट्राइपॉड है वो जो बेस है थोड़ा हल्का होता है, ऐसे जगह पर इसको आराम से रखें ताकि ये गिरे नहीं। अब इसके बीच में क्या करना है, आपको मोबाइल लगा देना है, तो वो मोबाइल भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा इसमें कि मोबाइल कैसे लगा सकते हैं। आप मोबाइल को जैसे चाहें, बीच में एक्सपेंड करने के लिए इस तरह से दिया हुआ है, आप किसी मोबाइल को यहाँ पे इस तरह से लगाएं और अपना YouTube बनाने के लिए हो जाए तैयार। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।